गुरुवार को शासकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में राजनीति के संत पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी की द्वितीय पुण्यतिथि पर बेखलिया सरकार मंडल और भारतीय जनता पार्टी नगर काटाफोर द्वारा स्कूली विद्यार्थियों को कॉपियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कहा कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो किसी की मदद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने जोशी परिवार पर अपना अपार प्रेम और विश्वास हमेशा जताया है। बागली विधानसभा क्षेत्र का निरंतर विकास होता रहे, इसलिए मैं सदैव प्रयास करता रहूंगा। सतवास से जीतू सिंह की रिपोर्ट। उनके जीवन चरित्र से, उनके कार्य व्यवहार से, उनकी कार्यशैली से हमें पता लगता है। इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए तो निश्चित रूप से वो किताब है जोशी जी के जीवन के बारे में। जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम देखेंगे, जितना हम समझेंगे राजनीति में हमें काम करने के लिए, उतना ही समाज सेवा करने के लिए आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। राजनीति में रहने के बाद भी कोई विरोधी नहीं हो, अजात शत्रु जिसको कहा जाता है, राजनीति में माननीय जोशी जी अजात शत्रु थे कि राजनीति में रहने के बाद भी पूरे देश और प्रदेश में कोई उनका शत्रु नहीं था, कोई उनका विरोधी नहीं था। पार्टी की नीति नीति सिद्धांतों के जरूर विरोध थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से माननीय लालजी जोशी का कोई विरोधी नहीं था, सब उनके प्रशंसक थे, वो किसी भी पार्टी के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।